ये जो अटैची वाला सामान दिख रहा है एक्चुअल अटैची नहीं है, इसके अंदर काफी ऐसे मस्त वाली चीजें जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे हो चैनल को, आप लोगों को पता होगा भाई फोटोग्राफी और ये फोटो वोटो खींचना, मस्त वाली चीजें करना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। पर एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैमरा भाई ने जुगाड़ा आप लोगों के लिए, ये अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था और एक काफी प्रोफेशनल ग्रेड वाला कैमरा है और इंडिया में मिलना ये मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो भाई आपका बाहर आके बना रहे वीडियो। देखो टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है, ऐसे बचा के बाद में ऐसे पबजी वबजी के एक दो चिकन डिनर मार लेना, इसलिए इसको सेटअप करने में यार टाइम नहीं लगाते, मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाता हूँ। तो होपफुली अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये है कैनन का C200, जिसको माउंट कर रखा है ऐसे भारी भरकम से ट्राइपॉड के ऊपर। भाई बिल्कुल मजाक नहीं, इतने भारी कैमरे को चलाने के लिए ना ट्राइपॉड में भी भाई काफी ज्यादा पैसा खर्चना पड़ जाता है। तो ये जो ट्राइपॉड है ओ भाई कुश्ती सीखनी पड़ेगी भाई को। तो जिन लोगों को पता नहीं है ट्राइपॉड ना दो तरीके के आते हैं, एक आता है ऐसे पैन हेड वाला और एक आता है बॉल हेड वाला। ये पैन हेड बॉल हेड मिला के एक ट्राइपॉड है, इसका मतलब ऐसे एक बॉल से जुड़ा हुआ है जिसको आप ऐसे हिला के जिस भी डायरेक्शन में चाहो उसमें कर सकते हो, और इसके साथ इसको आप ऐसे ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट मूव कर सकते हो, और ऐसे बहुत ही कम ट्राइपॉड आ पाते हैं और ये काफी ऐसे हैवी ड्यूटी भारी सा ट्राइपॉड है। बट अभी के लिए इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि कैमरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में बढ़िया से बात करते हैं। तो ये है कैनन का C300, जो C200 था ना जो प्रोफेशनल ग्रेड सीरीज का एक कैमरा है, उसका एक नया वाला वर्जन आया था और इसमें अभी 24-70 लेंस लगा रखा है। जिन लोगों को पता नहीं है कि मतलब इस कैमरे में ऐसा क्या खास होता है, ऐसा क्या करते हैं कि मतलब बाल दिखाओते थे डांड्रफ अलग से ढूंढ के निकाल देते हैं, या फिर पत्ती दिखाओ तो उसके अंदर से शहद निकल जाता है क्या बोल जाता हूँ, क्योंकि खुद ऐसे बाद में इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ जाता है। और ये वाला पर्सनली मेरे को कैमरा इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल लगता है क्योंकि एक प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा भी है और ये काफी ज्यादा इजी टू यूज भी है, मतलब एक नॉर्मल बंदा भी इसको यूज कर सकता है। अब जितने बाकी सारे कैमरा देखोगे ना रेड है और ये सारे हैं, ये मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, इनको मतलब इनकी फुटेज आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। इस वाले में ऑटो फोकस है, आप माइक भी लगा सकते हो, XLR इनपुट वाला माइक जो होता है, इसका जो माइक है वो अभी जो मैंने लगा रखा है एक ट्रांसमीटर से बैक साइड में मेरी पॉकेट में आ रहा है और ये अभी यहाँ पे है, बट ये अभी कनेक्टेड नहीं है। जो अभी माइक यूज हो रहा है उसकी अगर मैं आपको फुटेज दिखाऊं, ऐसा सा सिंपल सा माइक्रोफोन कनेक्टेड है इस पे, और इस वाले माइक को आप ऐसे कट करके इसके ऊपर लगा सकते हो। तो अभी वाला वायरलेसली कनेक्ट हो गया, कितनी भी दूर जाके बात कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें बेसिकली इसमें अलग ये रहता है कि मतलब जैसे नॉर्मल कैमरा होता है ना उसमें आप ज्यादा से ज्यादा माइक लगा लोगे, एक दो चीजें और लगा स्क्रीन लगा लोगे, बट इन कैमराज में जो एड ऑन्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। मतलब लिटरली जो आप ऊपर ये हैंडल वाला देख रहे हो ये अलग से लगा हुआ है, इसके साथ आपको स्क्रीन भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो रुको दिखाता हूँ। देखो ये मैंने अभी स्क्रीन ऑन कर दी है, इसमें आपको एक और मस्त चीज दिखाऊं तो इसके अंदर अगर आपको आवाज आ पा रही है, ये जो आवाज सुनने में आ रही है ना ये फैन की आवाज है, इसके अंदर लिटरली एक पूरा फैन लगा है ताकि ये कैमरे को ठंडा रख पाए और ये लॉन्ग रिकॉर्डिंग्स के लिए भी मतलब ऐसे बीच में बंद नहीं पड़ता, उसके बाद आप इसमें 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर इस कैमरे की बैक साइड में आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें स्क्रीन है, उसके साथ आपको दो कार्ड के स्लॉट मिल जाते हैं, तो आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, समझ लो एक भर जाए तो आप दूसरे में कर सकते हो, या फिर दोनों में एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई बैकअप चाहिए तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। और इसका जो कार्ड भी है ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंट कार्ड है, इसको सी फास्ट कार्ड बोलते हैं, और इसकी रीड राइट स्पीड है ना वो भी बहुत ही ज्यादा है, रीड है 525 Mbps और राइट स्पीड है 450 Mbps। ये 90% जो अभी लैपटॉप्स आ रहे हैं ना उनकी हार्ड ड्राइव से भी ज़्यादा तेज़ है। और इतना फास्ट कार्ड इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जब आप बड़ी रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना कोई, जब 4K रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको कार्ड में भी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें स्टोर करनी होती हैं, तो कभी भी कुछ ऐसे दिक्कत ना हो। तो जितना ज़्यादा आप डेटा जितनी जल्दी सेव कर पाओगे ना उतनी ज़्यादा क्वालिटी आती है रिकॉर्डिंग में। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर इस वाले कैमरे में ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड कलर का बटन है, ये इसको दबाने में क्यों कर रहे हैं आप दिल की बात से समझ ही चुके हो, तो दबा दो बटन। और इसमें एक दो और भी चीज़ें हैं, जैसे समझ लो जो ऑडियो भी है ये माइक की भी अलग से सेव करता है, और जो इसकी अपना माइक भी है वो भी सेव करता है, और अगर आपको 3-4 माइक भी एक साथ कनेक्ट करने हो वो भी इसमें बड़े आराम से हो जाते हैं। और यूजुअल अगर आपको समझ लो ऐसे कोई बड़ा वाला या ऐसे वायरलेस माइक्रोफोन लगाना होता है किसी ऐसे नॉर्मल कैमरा में, तो आपको एक अलग से रिकॉर्डर चाहिए पड़ता है, जूम H4N या H1N या बहुत सारे आते हैं, और उससे आप एक्चुअल सेव कर पाते हो और बाद में सिंक विंक करनी पड़ती है, बट इसमें डायरेक्ट लग जाता है। जिसके अंदर ऑडियो हार्डवेयर है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो ऐसे आपको किसी घटिया रिकॉर्डिंग सुनते हो जैसे मच्छर वच्छर वाली आवाज़ आती है, जर जर वाली क्या बोलते हैं
ऐसी आती रहती है ना बैकग्राउंड में, वो इस कैमरे में अगर आप माइक कनेक्ट करते हो तो बिल्कुल भी नहीं आती है। इन जनरल एक काफ़ी एक पावर पैक्ड और काफ़ी ईजी टू यूज सेटअप बन जाता है, और मैं इसको ऐसे ट्राई कर चुका हूँ तो मेरा काफ़ी खरीदने का ही मन कर रहा है। बड़े बहुत ज़्यादा भारी भरकम से सेटअप है और इसके लिए थोड़ी सी जगह भी अलग सी बनानी पड़ेगी। तो आपके भाई का दिल तो आ गया इसके ऊपर, बट थोड़े से सेटअप वेटअप भी अच्छा सा करेंगे, उसके बाद करेंगे इसको पूरे। पर अगर आप लोगों को क्वालिटी का आइडिया चाहिए तो ये वाली रिकॉर्डिंग मैंने इस वाले कैमरे के साथ करी। तो 1 2 3 और ये हैं टिश्यूज़। मतलब कभी ऐसे फ़ोन वोन टूट जाता है या लैपटॉप ऐसे गिर जाता है, जैसे आंसू आंसू पोंछने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसी के लिए ये हैं। वैसे तो मैं मीठी चीज़ ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बट एक बिस्किट रखे रहता हूँ मैं अपने बैग के अंदर कभी ऐसे इमरजेंसी हो तो भूख मिटाने के लिए। तो भाई आ गए वापस। होपफुली आपको अच्छी लगी वाली वीडियो। इस कैमरे के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं इस कैमरे के बारे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, और जो एक्चुअल क्वालिटी भी निकल के आती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे को काफ़ी मज़ा आया इसको यूज़ करके। आप लोग तब तक चिल करो और हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय। और इसका कार्ड भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिफरेंट